आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिलाल हैदर चट्टा के साथ, आम इश्यूज पर बात करें। और आज की काम पेशरफ जो अभी चंद मिनट्स कबल बिलावल भुट्टो साहब की एक उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सहाफ़ियों के साथ कुछ गुफ्तगु कर रहे थे गालिबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के अंदर, और वहाँ पे उन्होंने जो बातें की, बातें सच्ची भी हैं लेकिन हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। इस टाइम पर उन्होंने मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ बहुत सी बातें कर ली और ये भी कह दिया कि मुस्लिम लीग नून अपने मुआहदे पर अमल नहीं कर रही। आइन साजी के वक्त यानी जो 26वीं अमेंडमेंट की गई थी, 26वीं आइन साजी जो हुई थी, उस आइन साजी के वक्त जो बातें मुस्लिम लीग नून ने की थी उन पर अमल पैरा नहीं हो रहा है। उन बातों से मुकर रहे हैं, पीछे हट गए हैं उन तमाम तर बातों से जो उस वक्त की थी, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शदीद नाराज़ है। और शायद अब फिर से वो वक्त आने वाला है कि शहबाज शरीफ साहब कहेंगे कि मैं आसिफ अली जरदारी का पेट फाड़ के इस अवाम का लूटा हुआ पैसा निकालूंगा, या आसिफ अली जरदारी साहब कहेंगे कि इनके तमाम लूटे हुए पैसे और लूटी हुई जायदाद को पाकिस्तान में वापस लेकर आएंगे, या ये दोनों मिलकर अपने स्विस अकाउंट्स। अभी हमने रिसेंटली देखा एक एपिसोड चली जिसमें नवाज शरीफ साहब, उनकी बेटी और बाकी सारा खानदान स्विट्जरलैंड चले गए, जिनेवा चले गए, और स्विस बैंक्स के अंदर वो जो है वहाँ पर सारा कुछ हो रहा था। और स्विस अकाउंट्स की एक बहुत बड़ी बात है, चूँकि ये बातें हमें मुस्लिम लीग नून में बताई जाती थी नवाज शरीफ साहब की जानिब से कि स्विस बैंक्स के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब का पैसा है और स्विस बैंक्स के अंदर पाकिस्तान के कई पॉलिटिशियंस का पैसा है, कई चीज़ें हैं वहाँ पर। और ये सब के बावजूद यहाँ पे अब इनका स्विट्जरलैंड जाना, जिनेवा जाना, ये कहना कि हम फैमिली के कुछ बिजनेस सेटलमेंट्स के लिए जा रहे हैं, यानी स्विट्जरलैंड के अंदर फैमिली के बिजनेस सेटलमेंट्स, इट मीन्स कि वही स्विस अकाउंट्स और वही पड़ा हुआ पैसा जैसा आसिफ अली जरदारी साहब का था वैसा ही शायद मुस्लिम लीग नून का पैसा भी स्विट्जरलैंड में मौजूद था, जिसको डंप करने के लिए या जाने क्या करने के लिए स्विट्जरलैंड जाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन लाहौर जहाँ की जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून ने उठाई हुई है, पंजाब की जो लीडर है वो मरीम नवाज साहिबा है, स्मॉग से मर रहे हैं लोग यहाँ पर, लेकिन किसी किस्म का कोई इकदाम नहीं है। ट्रांसपोर्ट को नहीं रोका जा सका, जो सबसे बड़ा फैक्टर है स्मॉग के अंदर, फसलें जलने से नहीं रोका जा सका, कोई इकदाम नहीं किया, जीरो एडमिनिस्ट्रेशन रही इनकी और जीरो इनकी जो है वो एफर्ट्स थी, और स्मॉग से लोग मर रहे हैं तो मरते रहे, चूँकि इनके बच्चे तो जिनेवा में घूम रहे हैं, वहाँ पे जाके ताज़ी हवा ले आए हैं और वहाँ पे जाके काफ़ी हेल्दी एयर इन्होंने ले ली अपने लिए, और मेरा ख्याल है कि नाउ दे आर गुड टू गो। वैसे भी इतने प्रोटोकॉल्स में और लेविश ज़िंदगी इंजॉय करते हुए स्मॉग अमीर लोगों को कम ही शायद खानी पड़ती है गरीब की नस्बत। और क्या हो रहा है यहाँ पे, बहुत सी बातें बिलावल साहब ने की हैं, बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा है मुस्लिम लीग नून को। उन्होंने ये भी कह दिया कि वीपीएन की जब बात हुई, इंटरनेट की बंदिश की बात हुई कि मुल्क में इंटरनेट की बंदिश, तो उस पर बिलावल भुट्टो साहब खुद बड़े नाराज नजर आए और उन्होंने बड़े होशरुबा इंकशाफात किए हैं। और उस इंकशाफ के अंदर एक ये बात भी थी कि 4G के नाम पर झूठ बोला जाता है इस मुल्क के अंदर, 3G इंटरनेट दिया जा रहा है, 4G इंटरनेट तो दिया ही नहीं जा रहा है इस मुल्क के अंदर, यहाँ पे 3G को 4G कहा जाता है। और इस टाइम पे इंटरनेट के ये हालात हैं, उन बिलावल साहब ने जिक्र किया कि 90s के अंदर जब मैं छोटा होता था तब जो इंटरनेट की स्पीड थी आज वो स्पीड है, इसमें कोई शक नहीं है। आज दुनिया के अंदर, दुनिया के साथ चलने के लिए पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोगों को, बिकॉज एक IT का हमारे पास बहुत बड़ा स्कोप है और बड़ा फ्यूचर है IT का, उस सब के लिए पाकिस्तान में हाई स्पीड इंटरनेट होना और आज के दौर के मुताबिक इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया 5G टेक्नोलॉजी तक पहुंच चुकी है और हम आज भी 3G पे बैठे हैं बिलावल साहब के मुताबिक, 4G जो कहा जाता है वो झूठ कहा जाता है, वो असल 4G पाकिस्तान में है ही नहीं, ये इंकशाफ किया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत जो एग्रीकल्चर और IT इंडस्ट्री, यानी टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर को अब बेड़ा गर्क कर रही है इन दोनों डिपार्टमेंट्स का, इन पे कोई काम नहीं किया जा रहा बल्कि बुरी तरह से इनको मुतासिर किया जा रहा है, ये भी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा दिया। साथ ही ये भी कह दिया कि हुकूमत इंटरनेट से लेके और फिर अमेरिका ताल्लुकात, इंडिया ने उन्होंने बताया कि जो अमेरिका के ताल्लुकात हैं वो पाकिस्तान से इस टाइम पे वक्ती ऐसे नहीं होने चाहिए थे और इतने अच्छे ही नहीं हैं जितने होने चाहिए हैं। फिर ये भी उन्होंने जिक्र किया कि मेरी वालदा अभी भी मोहतरमा बीबी भुट्टो शहीद साहब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब थी और उनके ट्रंप से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, आसिफ अली जरदारी साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं ट्रंप से, और ये भी कहा कि फिर मेरे उनके दामाद और बेटी से और उनके फैमिली से मेरे बड़े अच्छे पर्सनल ताल्लुकात हैं। बिकॉज इस टाइम पे बातें चल रही हैं कि ट्रंप का आना US के अंदर वॉज अ सरप्राइज, उस सरप्राइज से कौन क्या गेन कर सकता है, बिलावल साहब जो कि कंटेंडर हैं और चाहते हैं कि अगले वज़ीर आज़म बना जाए, ये ख्वाब देखते हैं पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बनने का,
उस ख्वाब के पीछे सबसे पहले तो इनको नून लीग को चित करना पड़ेगा और वही अपने पुराने रिवायती हरीफ बन के सामने आना पड़ेगा, तो फिर ही शायद कुछ प्राइम मिनिस्टरशिप जो है उसको एंजॉय करने का मौका मिल सकेगा। न जाने पीपल्स पार्टी क्या चाह रही है। ये बिलावल भुट्टो साहब जब 26वीं आईनी तरमीम के अंदर सरगर्म थे और हर चीज़ पे अच्छा अच्छा और कही जा रहे थे, हर चीज़ को गुड कह रहे थे और कह रहे थे ये तरमीम पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है, वो मजबूरी शायद बिलावल साहब की अपनी थी, पाकिस्तान की थी या नहीं थी, लेकिन अब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बिलावल साहब को लगाया हुआ था कि तरमीम करो तुम्हारी की गई चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। जिस तरह किसी इंसान को किसी चीज़ की बड़ी सख्त ज़रूरत हो तो उसके लिए बड़ा कोशा काम कर रहा होता है, उसके लिए बड़ी एफर्ट कर रहा होता है, लेकिन जब उसको मिल जाती है तो उसके बाद अगर वो गिले करता है तो फिर इसका मतलब है कि कुछ उसके साथ गलत हुआ है। जिस तरह बिलावल साहब आज फरमा रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम करवाने के अंदर मुझे उधर उलझा दिया मुस्लिम लीग नून ने और मुझसे किए गए तमाम तर वादों से मुकर गए, पीछे हट गए और अब वो सब चीज़ें हो ही नहीं रहीं। ये हमेशा से बंदर बांट का मसला है इस मुल्क के अंदर, यही दो सियासी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हमेशा से एक दूसरे की चीज़ें बैलेंस करने में तुम ये ले लो हमें ये दे दो, तुम ये ले लो हमें ये दे दो, अपनी जाती डीलों के ऊपर। आज भी आप बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट देखें तो हमसे किए गए वादे, यानी वो वादे जो पीपल्स पार्टी के बेनिफिट में थे और किए किसने तो मुस्लिम लीग ने, वो निभाए नहीं जा रहे, तो तकलीफ हो रही है। ये अवामी तकलीफ नहीं है बिलावल साहब के अंदर, अवामी तकलीफ तो किसी हुक्मरान में नजर नहीं आती। ये अवाम के साथ जो जुल्म इस मुल्क के अंदर हो रहा है ये जुल्म किसी हुक्मरान की जबान पे नहीं आता, कोई बात नहीं करता। आज भी बिलावल जो बातें कर रहा है ये वही बातें थी जब सैलाब जदगान के लिए 25 अरब रुपए की जरूरत थी, वो 25 अरब मिला तो बिलावल चुप कर गया। सिमिलरली अब भी कोई डिमांड्स है अपनी जो मनवाई जाएंगी, जब डिमांड्स पूरी हो जाएंगी अपनी जाती फायदा मिल जाएगा तो बिलावल साहब फिर चुप कर जाएंगे। ये एक ओवरऑल सिनेरियो था, इस पर बात करते हैं। स्टूडियो में जो ज्वाइन कर रहे हैं नासिर शेराजी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। फैसल मलिक साहब भी हम ज्वाइन कर रहे हैं, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट और मेम्बर सुप्रीम कोर्ट मेम्बर बेंच के बार सुप्रीम कोर्ट बार के मेम्बर भी हैं, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। ज़रा मैं बात का आगाज़ करता हूँ हुसैन अहमद शेराजी साहब से। हुसैन साहब, बिलावल भुट्टो साहब तकलीफ का इजहार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं फिर बहुत सी बातें, ये सब बातें 26वीं आईनी तरमीम करते हुए, इससे पहले करते हुए, हकूमत बनाते हुए, अपनी अपनी बंदर बांट करते हुए, ओहदे डिवाइड करते हुए, मेरा गवर्नर उधर बिठा दो, मेरा फलां बंदा मिनिस्टर लगा दो, इसको ये सीट दे दो, उसको वो सीट दे दो, सिंध हमें दे दो बाकी तुम रख लो, ये सब करते हुए बिलावल साहब को ये बातें याद क्यों नहीं आई जो आज शायद कुछ सेटलमेंट ना होने पर ये बातें याद आ रही हैं, ऐसा क्यों? देखिए जी, बिलावल भुट्टो साहब की जो गुफ्तगु है जो उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से की है ये तो एक फुल फ्लेज चार्जशीट है और मैं इस चार्जशीट पे कोई बहुत ज्यादा हैरान नहीं हूं। देखिए जिस अंदाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ इकतदार की शराकत में आई तो मैं समझता हूं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने इंतहाई दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए कुछ ऐसी पोजिशन इख्तियार की कि जब चाहें अपनी पोजीशन से बैकआउट कर दें और जितना वो मुनासिब समझें वो नून लीग का साथ देते रहें। 26वीं आईनी तरमीम में जो कुछ होता रहा सब शीर व शकर हमें नजर आए, वो भी हमने देखा, और अब बिलावल भुट्टो साहब जो एक स्टेप हमें पीछे हटते नजर आ रहे हैं वो मेरे लिए हैरान कुन नहीं है, इट वॉज ऑलरेडी एक्सपेक्टेड। लगता यूं है कि जैसे बिलावल साहब को अंदाजा हो गया कि सेटअप अब मजीद ज्यादा अरसा चलने वाला नहीं है, लेकिन जिन इख्तलाफात की उन्होंने बात की, आपकी बात बड़ी दुरुस्त है जो आपने अपने इंट्रो में कहा कि वो जिन इख्तलाफात की बात कर रहे हैं, जिन वो वादों की बात कर रहे हैं, वो तो दोनों पार्टियों के माबैन थे, उसमें अवामी जरूरत, अवामी ख्वाहिशात या अवामी मसाइल का हमें दूर दूर तक नजर नहीं आता, कोई मतलब शायबा तक नजर नहीं आता, तो वो आपस के इख्तलाफात। अब देखना यह है कि उन दोनों में आपस में वादे क्या हुए थे। दोनों पार्टियां जिसको जमहूरियत का हुस्न करार देती हैं और हम उसे बंदर बांट कहते हैं कि जब जी चाहता है वो मिल बैठ के देख लेती हैं कि दोनों को क्या सूट करता है, उसमें अवाम कहीं एग्जिस्ट करते नजर नहीं आते। और जिस जमाने में सीओडी हुआ था उसके फौरन बाद जब मुल्की सतह पे, एस्टैब्लिशमेंट की सतह पे और दानिशवरों के हलके में इस बात पर सोच विचार शुरू हुई थी कि दो पार्टियों में अगर मुल्क जरगमाल बन गया है तो अब इसका इलाज क्या है, यही वजह है कि एक तीसरी पार्टी की गुंजाइश पैदा हुई थी और तीसरी पार्टी और उसके कायद और उसका मैनिफेस्टो जो भी था वो कौम के सामने है उसको पजीराई मिलना शुरू हुई थी। तो मैं समझता हूं कि अब एक मरतबा फिर बिलावल भुट्टो साहब जब हुकूमत से हमें कुछ परे परे होते नजर आ रहे हैं और एक ऐसा बयानिया कौम को दे रहे हैं जो मैं समझता हूं कि उस पार्टी के बयानिया से मिलता जुलता है जो इस इक्तदार में नहीं है बल्कि इन अवे जेर अताब है, तो
नून लीग की पोजीशन मुझे खासी कमजोर नजर आ रही है, और अदर देन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो नून लीग के इत्तेहादी हैं, वो सब उससे मुतासिर होते नजर आ रहे हैं। सब मुतासिर होते नजर आ रहे हैं। बिलावल साहब ने एक और बात भी जो की, और वो ये की है कि एहतजाजन जुडिशियल कमीशन का हिस्सा नहीं रहा, और उन्होंने ये कहा कि मेरा एहतजाज था कि मैं जुडिशियल कमीशन से अलहदा हुआ, और कमीशन में होता बेंच में फर्क पर बात करता। दही सिंध से सुप्रीम कोर्ट में जज होते तो बराबरी की बात करता, सिंध के साथ बार बार तफरीक और अलग सलूक नजर आता है। यानी तकलीफ सिंध, तकलीफ सिंध इसलिए कि सिंध की हकूमत का जो हाल है, सिंध का जो हाल है, वो हम सबके सामने है। गुज़िश्ता 20-22 साल से बरसर इक़्तदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की तमाम तर हालात की जिम्मेदार है। अगर वहाँ पर कोई गटर बंद नहीं होता, अगर वहाँ पर गंद है, कूड़ा है, वहाँ पर सड़कें नहीं बन रही, तो ये पीपल्स पार्टी की नाअहली है, ये बिलावल भुट्टो साहब की नाअहली है। स्ट्रेटली ये बात अवाम को भी करनी चाहिए कि ना अहली या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हालात सिंध कराची के अंदर, और इंटीरियर सिंध को तो छोड़ ही दें, कराची जैसे शहर के अंदर जो हालात हैं जो फेस करने पड़ते हैं, उससे खुदा की पनाह। लेकिन बिलावल साहब की बातें स्टिल जाहिर है, इस मुल्क के अंदर जो हालात हो चुके हैं, बिलावल साहब अपकमिंग कंटेंडर है। फैसल मलिक साहब क्या कहेंगे आप इस पर? सर बिलावल साहब आपने बात बहुत ये इम्पोर्टेंट की है कि बिलावल साहब जो है वो हमेशा जो है सिंध की बात करते हैं, हालांकि उनको अपनी नाना की इनहेरिटेंस जो है ना वो उसी तरह ही जो है ना कबूल करनी चाहिए। अपनी वालदा जो उनकी इतनी बड़ी लीडर थी, जो वो पूरे मुल्क की बात करती थी, पूरे मुल्क की अवाम की बात करती थी, इस 24 करोड़ अवाम की बात करती थी, उसकी बात करनी चाहिए। बिलावल साहब सिर्फ सिंध की बात करते हैं, ये अजीब मजाका खेस बात है, और ये अजीब बेवकूफाना बात है। मैं तो कहूंगा ये कैसे सियासत कर रहे हैं, किस किस्म की सियासत कर रहे हैं। ये सिंध कार्ड इन्होंने भूलना नहीं है, ये इनको चाहिए, ये पूरे पाकिस्तान के लीडर है, पूरे पाकिस्तान की बात करें और पूरे पाकिस्तान के जो सर मसाइल के ऊपर बात करें। अगर ये जो है, अगर ये कहते हैं कि हम मैं आईनी तरमीम में 26वीं आईनी तरमीम में मसरूफ था और जो सर मुझे टाइम नहीं मिला और मैं बेंचेस के बारे में जो है ना वो नहीं ध्यान दे सका, तो बात ये है कि अगर ये जो है ना सिर्फ अपना हिस्सा ही सिंध का लेने आए हैं तो सर ये कहाँ की फिर फेडरेशन रहेगी? फिर सिर्फ अपना ही बात करेंगे सिंध की, तो फिर कहाँ की मलकियत रहेगी? फिर कहाँ की कौमियत रहेगी? फिर कौम पाकिस्तान कहाँ है? फिर कहाँ पाकिस्तान? ये तो जाति कर रहे हैं, ये तो जो है ना ये जो है ना अलहदगी की बू आ रही है इनसे, और ये बहुत ही जाति वाली बात है और पाकिस्तान के लिए बहुत ही नुकसानदेह बात है। सर पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह बात है, लेकिन हमेशा से यही दो सियासी जमातें यही कुछ करते आ रहे हैं यहाँ पे। और अगर कुछ लाहौर के हालात की बात की जाए, लाहौर में मौजूदा स्मॉग की बात की जाए, तो स्मॉग बड़ी तकलीफ का बायस बना हुआ है, और हमारी हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ फेल्ड बैडली, इस स्मॉग के खिलाफ कुछ नहीं कर सके। ये बड़े अहल लोग थे और कहते थे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाले कि ये जो हुकूमत बैठी ना अहल तरीन लोग हैं, ये मान लिया, लेकिन कितने अहल और तजर्बाकार लोग आप थे कि आपसे एक स्मॉग कंट्रोल नहीं हो रही है और इस स्मॉग के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। एक तो प्रॉब्लम ये हो कि ठीक है यार, एक नेचुरल डिजास्टर है, ये जो प्रॉब्लम बनी है ये एक नेचुरली इंडिया का भी बहुत बड़ा पार्ट है इसके अंदर और हमारे पास आ गई, हम इसके लिए एफर्ट कर रहे हैं बट ये कंट्रोल नहीं हो रही। लेकिन एफर्ट ही ना हो रही हो और स्मॉग बढ़ती पे बढ़ती जा रही हो और हुक्मरान बाहर के मुल्कों में जाके पुरफजा मकाम पर अपनी जिंदगी इंजॉय कर रहे हो, तो फिर ये इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है? स्टार्टिंग फ्रॉम यू नासिर सिराज साहब, देखिए जब सैलाबों का मौसम होता है, बारिशें ज्यादा होती हैं, इस खत्ते में बारिशें ज्यादा होती हैं, तो अचानक पता लगता है जी भारत ने पानी खोल दिया है और उसकी वजह से यहाँ पे जो है सैलाबों की शिद्दत में इजाफा हो गया है। और फिर हम कभी फौज को बुलाते हैं, कभी इधर उधर देखते हैं, कभी हमारे जो मुल्क से बाहर दोस्त हैं कभी हम उनकी तरफ देखते हैं और मदद चाहते हैं कि आइए और हमें पानी से निकालिए। अच्छा, पहले ये सिर्फ सैलाबों का मामला था, अब उसमें स्मोग ऐड हो गया है। अब फिर ये कहा जाता है कि जरा भारत ने चूंकि फसलें जलाई हैं लिहाजा हवा के जोर पे वो सारा स्मोग जो है वो इधर आ गया है। भाई ये तो दुनिया में होता रहता है, सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं? नासिर साहब सवाल ये है कि पाकिस्तान में फसलें नहीं जलाई गई? जी मेरे यहाँ पे भी तमाम एकर्स पे जलाई गई। सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या ये दुनिया में पहली मर्तबा हो रहा है कि स्मोग आ गया पाकिस्तान में, या एक सीजनल एक इफेक्ट है जो आता है? तो हमने इसके सदबाब के लिए अब तक किया क्या है? हम हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे रहते हैं और क्यों सब कुछ भारत के खाते में डाल देते हैं? और वजीर आला पंजाब साहबा जब अभी स्विट्जरलैंड या जनेवा जा रही थी तो उससे पहले उन्होंने कहा था
कि मैं भारतीय वजीर आजम को खत लिखने वाली हूँ। भाई खत आपने लिखा नहीं लिखा, खत लिखने से तो मसला हल नहीं होता था। फिर एक दूसरी तजवीज आई कि हम मसनूई बारिश का इंतजाम कर रहे हैं, बिल्कुल हो जाना चाहिए था, ये बारिश हो जानी चाहिए थी, इसका इंतजाम होना चाहिए था, लेकिन लगता है कि हमारे नसीब की बारिशें जो है वो फिर किसी और छत पर बरस जाएंगी और हम उसी तरह रह जाएंगे, नजर तो यही आ रहा है। अच्छा, ये कोई इतना बड़ा एक्सपेंस नहीं था कि जी कोई अरबों रुपए का एक्सपेंस था, लिहाजा वो ना हो सका। और जहां तक फंड्स का ताल्लुक है, अगर जहाजों की तजीन और आरइश पे सरकारी जहाज और हेलीकॉप्टर जो है उनके लिए 1 अरब से ज्यादा रुपए के फंड जो है मुख्तस किए जा सकते हैं, 1 अरब 20 करोड़ जी, तो फिर वो ये जो मसनूई बारिश है इसके लिए चंद लाख रुपए क्यों नहीं किए जा सकते? फिर ये अमरीका या यूरोप से लोग नहीं आने जिन्होंने मसनूई बारिश का इंतजाम करना, आते ही अपना चार्ज संभालते 2.5-3 करोड़ रुपए के अपनी एक गाड़ी को टायर डलवाए 2.5-3 करोड़ रुपए के, वो कहती है 70-80 लाख रुपए लगेगा क्लाउड सीडिंग करने में, आर्टिफिशियल रेन करने के लिए, उसकी गाड़ी के टायर इंपॉर्टेंट थे या लोगों का सांस लेना इंपॉर्टेंट था? देखिए ये बहुत अफसोसनाक तर्ज अमल है, हुकूमत की प्रायोरिटी जो होनी चाहिए थी वो नहीं है, और इन एक्सपीरियंस है चूंकि वजीर अला पंजाब, ऑल दो उनके साथ एक दो मुनकर नकीर तो हमें नजर आते हैं जो मुख्तलिफ हुकूमतों में रहे हैं, बैग उठाते फिरते हैं, उनकी ताबेदारी कर रहे हैं और खिदमत कर रहे हैं, मैडम की खिदमत के अलावा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, जो करने के काम थे जो प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए थी उस हवाले से अभी तक हमें कोई काम नजर नहीं आया। हाँ, अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए जो नाकाम सी कोशिशें की जा रही हैं उसमें लैपटॉप की तकसीम है और स्कूटीज हैं और फलां कार्ड है और फलां कार्ड है, इन चीजों से वोट बैंक ना बना करता है ना इंटैक्ट रहता है। ऐसा होता तो इनसे पहले जिन्होंने ये कार्ड ईजाद किए थे वो इस वक्त मुल्क में 2/3 मेजोरिटी लेके बैठे हुए होते, ऐसा नहीं होता। लोग बड़े समझदार हैं, नई नस्ल जिससे हमें बहुत ज्यादा शिकवे रहते हैं, उन शिकवों का इजहार भी हमें नजर आता है मीडिया में, वो बहुत समझदार लोग हैं, वो कहते हैं अच्छा एक लैपटॉप मिल रहा है, एक स्कूटी मिल रही है तो ले लो, वोट हम उसी को देंगे जिसने मुल्क के लिए सोचा है। तो इस तरह वोट बैंक ना बनेगा ना इंटैक्ट रहेगा। हमने 2024 के इलेक्शन में देखा कि लोगों ने नारे भी किसी के लगाए, पैसे भी उनके लिए, बिरयानी भी उनकी खाई, लेकिन वोट जिसको डाला वो तो सबके सामने। जी यहाँ पे मैं खासतौर पर कोट करना चाहूंगा मरियम नवाज साहब के जो हस्बैंड हैं कैप्टन सफदर साहब, आप उनकी गुफ्तगू उठा के देख लें, वो तो अपोजिशन नहीं है लेकिन उन्होंने एक जलसे आम में कहा, मीडिया ने उसको कोट किया, मीडिया ने उसको खासी जो है वो जगह भी फराहम की। वो कहते हैं कि हमारे पास 17 सीटें थी और जिस तरह इलेक्शन हुए 47 की हमें सलामी मिली है वरना हम इलेक्शन नहीं जीते। तो कैप्टन सफदर साहब अगर घर का भेदी ये सब कुछ कह रहा है तो मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ ना कुछ हकीकत होगी। तो जहां कॉन्फिडेंस ना हो आवाम के वोटों का वहां फिर परफॉर्मेंस हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जहां पे प्रायोरिटीज कुछ और हों, आवाम की फलाह बहबूद प्रायोरिटी अगर नहीं है। आप देखिए ना गंदम के मामले पे बिलावल साहब भी शिकवा करता नजर आते हैं, एग्रो बेस्ड कंट्री है, एग्रीकल्चर हमारा एक बहुत बड़ा पावर था और हम ना सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट थे एग्रीकल्चर के मामले में बल्कि हम फीड करते थे। पॉइंट एक बिलावल ने कहा है कि एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी के ऊपर हुकूमत बड़ा अगर कर रही है, इसका कुछ भी नहीं कर रही है और ये बदतर से बदतर होता जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए एग्रीकल्चर को वाकई मौजूदा जो हुकूमत है इसकी प्लानिंग ने और मनसूबा साजों ने बिल्कुल तबाह बर्बाद किया है। आप अंदाजा फरमाइए कि नवम्बर के एंड तक जो बुवाई होनी थी उसका 70% हदफ जो है वो हासिल नहीं हो सका। किसान डिसहार्टेड है, किसान हुकूमत पंजाब की पॉलिसियों से नाला है, उसने फैसला कर लिया है कि जिस फसल की उसे कीमत नहीं मिलनी, जिसमें उसकी कॉस्ट पूरी नहीं होनी, उसको वो फसल जो है उसकी बुवाई के बाद कटाई पर उसको क्या मिलेगा। तो ये गजाई बहरान जो है वो तो हम देख रहे हैं, अगर वो किसी को नजर नहीं आ रहा तो सिर्फ हुकूमत पंजाब है और किसान स्विट्जरलैंड में बैठे हैं, उनको नजर कैसे आएगा? जी जी मैं समझता हूँ वो जो मनसूबा फसाद थे जिन्होंने ये प्लानिंग दी थी और एट दी 11th था, देखिए ना किसान को तबाह और बर्बाद किस तरह किया गया। पॉलिसी अगर इस टाइप की कोई आनी थी तो 1 बरस पहले, ताकि अगले बरस जब किसान ने सोचना होता। ये भी थोड़ा सा टॉपिक है, इस पे मैं बात करूंगा। फैसल साहब आप क्या कहेंगे इस पे? सर बात ये है, आप देखें ये स्मोक का जो मसला है ये इतना गंभीर है, ये मसला जो है ना बीजिंग में भी हुआ था और बीजिंग में जो है ना उन्होंने एयर प्योरिफायर टावर जो है ना नस्ब कर दिए और वहां पे जो है ना अब ये मसला आज तक चल रहे हैं वो और वो आज इससे पहले ग्रेटर स्मॉग ऑफ लंदन की बात की जाए तो लंदन ने किस तरह 50s और 60s के अंदर कैसे कवर किया, किस तरह से तमाम तरह इकदाम किए, हम लोग इसके लिए कर ही कुछ नहीं रहे। सर प्रॉब्लम ये है सर, हम लोग जो है ना स्विट्जरलैंड की सैर कर रहे हैं,
हम लोग स्विट्जरलैंड में बैठे हुए हैं और स्विट्जरलैंड की ताजा हवाएं जो से हम एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे अवाम जो सी है जो टैक्सों के ऊपर जिन टैक्सों के पैसों के ऊपर ये स्विट्जरलैंड गए हुए हैं और स्विट्जरलैंड में अय्याशी कर रहे हैं, ये यहाँ पे अवाम वो अवाम जो सी ना वो मर रही है बेचारी स्मोक की वजह से, वो मामला खवातीन वो बच्चे जो से ना हमारे जो से ना लाहौर के और कराची वो मुल्तान के पिशावर के वो इतने अफेक्ट हो रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। 4 करोड़ रुपया सिर्फ गाड़ी की मैटिंग और पोशिश के ऊपर खर्च हो सकता है और वो पैसे जो उनसे है ना वो मसनूई बारिश के ऊपर नहीं खर्च हो सकते ताकि लोगों को जिंदगी मिले, लोगों के जो है ना इससे निजात मिले और लोगों जो लोग जो उनसे है ना वो इससे छुटकारा हासिल करें। अस्पताल भरे पड़े हैं, आज की ही रिपोर्ट थी और तमाम मीडिया चैनल्स के ऊपर चल रहा था कि अस्पतालों में जो है ना एक्सेस जो है मरीज आ चुके हैं, अस्पतालों में गुंजाइश नहीं है, इतने मरीज आ चुके हैं सर ये, लेकिन स्विट्जरलैंड में बैठे हुए हमारी वजीरे आला उसको क्या मसला, उसको क्या प्रॉब्लम, वो तो दिलकश हवाओं में और खूबसूरत हवाओं में और महकती फजाओं में बैठी है, उनको क्या मसला वहाँ पे जाहिर है। और अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की बात की जाए तो खादमे आला पंजाब और फिर पता नहीं खादमे आजम और ना जाने क्या क्या बातें होती रही, लेकिन किस तरह के ये लोग खादम है इन लोगों को तो अंदाजा ही नहीं है कि खादम होता क्या है। अब आज वजीर आजम साहब ने कहा है नासिर शिराजी साहब, उन्होंने कौम से बारान रहमत के लिए नमाज इस्तस्का अदा करने की अपील की है, यानी कि वजीर आजम साहब ये कह रहे हैं कि आपके साथ जो हो रहा है ना ये आपके गुनाहों की सजा है, अल्लाह से माफी मांगे, अपने गुनाहों की सजा अपनी खुद खत्म करें, नमाज इस्तस्का अदा करें और अल्लाह ताला इस मौके खत्म करेगा, उनके पास उसका कोई हल नहीं, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, 24 करोड़ अवाम जो है हम उसी का हिस्सा हैं, अवाम बिल्कुल इतने गुनाहगार नहीं है जितना हुक्मरान तबका है, अगर दोनों के गुनाहों को तोल लिया जाए तो हुक्मरानों के गुनाहों का पलड़ा जो है वो झुका हमें नज़र आएगा। देखिए हमें ये लॉलीपॉप दे दिया जाता है और वो जो एक है ना मजहबी कार्ड वो इस्तेमाल किया जाता है कि जनाब अल्लाह से आप दुआ करें, ठीक है अल्लाह से हमें तमाम उम्मीदें रखनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ने इस ज़मीन पे इंसान को जब अपना खलीफा बनाया तो सिर्फ उसको हुकूमत के लिए नहीं बनाया था, उसके जिम्मे कुछ फराइज भी थे, तो देखना यह है कि हुकूमत में शामिल और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म उनकी काबीना मेंबरान कौमी असम्बली व सेनेट और सूबाई असम्बली और फिर सूबाई काबीना के लोग जो हैं उनका तर्ज अमल क्या है, कौन अपनी जिम्मेदारियाँ किस कदर अंजाम दे रहा है और कौन इनसे पहलू तही कर रहा है, ये कोई ढकी छुपी हुई बात नहीं है। अफसोस का मकाम यह है, अभी हम स्मोक की जैसे बात कर रहे थे कि पहले ये सिर्फ ज़ईफ लोग जो थे उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता था, लेकिन अब स्मोक की इंटेंसिटी इतनी है आज का कि बच्चे आज का नौजवान सब सर आज का AQI मैं सिर्फ ऐड कर दूं, आज का जो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 1406 रिकॉर्ड किया गया, 1406 कैन यू इमेजिन जी। और इसके अलावा जो आदमशुमार आ रहे हैं वो ये है कि जो लोग लाहौर में रह रहे हैं वो अपनी उम्र से 7 साल कम उनकी उम्र जो है वो हो जाएगी, सर 1 साल रहेंगे तो 7 साल कम होगी, 10 साल रह लिया तो 70 साल गए वो तो बंदा फौती हो जाएगा बिल्कुल। और वही आदाद और शुमार ये बता रहे हैं कि पिंडी एंड ऑनवर्ड सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर है, लिहाजा वो लोग जो छोटे शहरों से गांव से नकल मकानी करके लाहौर आने का सोच रहे हैं, मेरी उनसे ये दरख्वास्त होगी कि खुदा के लिए अपनी जिंदगियों से ना खेलें, हुकूमत पे तकिया ना करें कि लाहौर बहुत मॉडर्न शहर है और जिंदगी की तमाम सहूलतें यहाँ मैसर हैं, यहाँ एक लूट का बाजार है, देखिए यहाँ पे एक लूट का बाजार गर्म है, उसमें हॉस्पिटल जो है वो इंडस्ट्री बन चुके हैं प्राइवेट सेक्टर के बिलखसूस, इसी तरह एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो इंडस्ट्री बन चुके हैं, सबसे अच्छे कारोबार हॉस्पिटल और एजुकेशन, यहाँ लूट मची हुई, यानी हेल्थ एंड एजुकेशन ये दो डिपार्टमेंट्स बेहतरीन कारोबार जिस मुल्क के अंदर होंगे वहाँ पे होगा क्या सर? और सबसे ज्यादा जो डिक्लाइन है वो सरकारी सतह पे हर महकमे का बुरा हाल है, किसी महकमे में आप जाएं आपको कोई काम हो आपको रिलीफ नाम की कोई चीज नजर नहीं आएगी, और रिलीफ जो है वो बहुत महंगा हो गया, जिस तरह हमारे यहाँ शोर है ना अरसा दराज से पिछले 50 साल तो मुझे होके सुनते कि सस्ता और फौरी इंसाफ अवाम की दहलीज तक पहुंचाना हमारा फर्ज है, कई हुकूमतें आई और चली गई बिलखसूस नून लीग की हुकूमत और पीपल्स पार्टी में भी हम ये नारा सुनते थे, सबसे महंगा इंसाफ और वो भी किस्मत से मिलता है, और यही हाल इलाज का है और यही हाल तालीम का है। प्रोफेसर मलिक साहब, सबसे महंगा इलाज और मुश्किल बड़ा है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि नमाज इस्तस्का अदा की जाए, तो मेरा ख्याल है कि हम सबको फौरन से नमाज अदा करनी चाहिए और बरान रहमत की दुआ करनी चाहिए। सर
अवाम को फिर इजाजत देना वो उस स्विमिंग पूल में जो उसने जाके नहाए और वजू करे जिसके ऊपर इन्होंने 7 करोड़ रुपया लगाया, और अपने जो उसने वजीर आजम हाउस के अंदर जो वो स्विमिंग पूल है उसकी तजीनो आराइश के ऊपर 7 करोड़ रुपया लगाया, फिर अवाम को इजाजत देना वहां पर जाके वो नहाए और वजू करे और फिर वो नमाज पढ़े और इस्तगफार की नमाज पढ़े। ये कैसे वजीर आजम है जिनको जो उसने शर्म नहीं आती इस बात के ऊपर कि ये जो उसने चंद पैसे चंद हजारों के लाखों की बात है और वो जो उनसे ना मस्नूई बारिश करवा दे तो ये जो उनसे ना सारा मसला खत्म हो जाएगा, ये मस्नूई बारिश हो जाएगी, स्मोक जो उनसे ना बैठ जाएगी और ये सारे पार्टिकल जो उनसे ना जमीन के अंदर जो उनसे ना जज़ब हो जाएंगे, लेकिन इनको अपने स्विमिंग पूल के ऊपर 7 करोड़ लगाना मंजूर है। इस वजीर आजम को जो उनसे ना अपनी जो उनसे ना याशियों के ऊपर पैसे लगाने मंजूर है, वजीर आला को जो उनसे ना स्विट्जरलैंड की सैर करानी मंजूर करनी मंजूर है। अभी दो जहाज यानी सदर और वजीर आजम के जहाज की तजीनो आराइश के लिए 1.25 अरब रुपया तकरीबन, और 1.25 अरब रुपया सिर्फ जहाज जिसके ऊपर वजीर आला और वजीर आजम सफर करेंगे वो 1.25 अरब रुपया, वो ठीक है, लेकिन कौम जो उनसे है अगर उसको जो उनसे ना बेचारे जो टैक्स देते हैं जिससे टैक्स से ये 1.25 अरब रुपया इकट्ठा हुआ, जिस वो 1.25 अरब रुपया इन्होंने जहाजों पर लगाया, वो जो कौम टैक्स देती है जिससे जो उनसे ना उन्होंने अपने स्विमिंग पूल ठीक करवाए, उस कौम को जो उनसे ना दरपेश मसला ये स्मोक का, उसके ऊपर जो उनसे ना चंद लाख रुपए ये नहीं लगा सके, ये कैसी अलमियत की बात है। और ऊपर से कहते हैं कि इस्तगफार करें, इन्हें चाहिए कि ये तौबा करें, इन्हें चाहिए कि ये जुल्म छोड़े और इन्हें चाहिए कि अल्लाह से माफी मांगे, इन्होंने मरना नहीं है क्या? याद बिलाल साहब एक चीज जिसका बराह रास्त हमारे आज के मौजू से तो ताल्लुक नहीं है लेकिन मैं ज़िमनन जिक्र करना चाहूंगा जी। वो ये है कि देखिए 1 अरब से ज्यादा रुपया जो है वो तज़ीन पे लग रहा है जहाजों की तज़ीनो आराइश, ठीक है जी, ठीक। और पूरा PIA जो है वो 10 अरब में बेचने की तैयारी, आप जुल्म देखें। अच्छा कहानी वाजे हो रही है ना, विदिए विद पैसेज ऑफ टाइम कहानी वाजे हो रही है कि PIA को खरीदने के लिए असर लोग कौन है, वो यही लोग आगे अब्दुल अलीम खान प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर है और जो वाहिद बिड आई है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ नजीर साहब है जिनकी कंपनी था ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम, वहां से एक ही ऑफर आती है 6 कंपनीज में से बाकी गूंगे हैं कोई बोलता ही नहीं, नहीं बाकियों को भगा दिया। 10 अरब ले लो सर, उनकी जरूरत है बोलने की। सर एक बंदा कह रहा है 10 अरब ले लो और 10 अरब पे बात हो रही है, क्या मजाक हो रहा है? एक जहाज 150 से 200 अरब रुपए का आता है एक जहाज, और पूरी पी है ये 10 अरब के अंदर नासिर शिराज जी। देखिए कई 1000 अरब रुपए देने वाला जो कस्टमर है जो PIA खरीदना चाहता है वो मौजूद है, लेकिन आपके सामने होगा जब वो बिडिंग हो रही थी तो 5 खरीदार और भी थे, उनको भगा दिया गया था, उनमें से किसी ने ऑफर ही नहीं दी जी, उनसे कहा गया था कि उन्होंने बिड में हिस्सा ही नहीं लिया, उन्हें कहा गया था जी नॉन ऑफ योर बिजनेस, राइट, इसके खरीदार जो है जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। और फिर 10 अरब रुपया यानी इसको जो लफ्ज हम पी नेट कहते हैं लेटर इन स्पिरिट में वो ये पी नेट था कि मुफ्त में एयरलाइन खरीदने का जो प्रोग्राम था। अच्छा दो चीजें मुझे कहीं ना कहीं तय नजर आ रही है कि स्टील मिल कौन लेगा और PIA कौन लेगा, दो बड़े असासे यही थे और इन दो बड़े असासों की जो मालियत है वो 10 अरब या 100 अरब नहीं है, ये 1000 अरब है। देखिए जैसे आपने कहा कि एक जहाज जो है अगर उसको स्क्रैप करके आप किसी आदमी को दे दें और वो उसको लाके किसी पीस ऑफ लैंड पे खड़ा करके उसमें रेस्टोरेंट खोल ले तो कई अरब रुपए तो वो उसको देने को तैयार हैं, ठीक है, लेकिन जो रियल स्टेट है अटैच्ड PIA वो कई 1000 अरब रुपए की है। रूजवेल्ट होटल जिसका हम बहुत ज्यादा जिक्र सुनते हैं, कराची का जो हेड ऑफिस है PIA का और पाकिस्तान के हर बड़े शहर में एयरलाइन के जो दफातर हैं वो कई 1000 अरब रुपए की मालियत के हैं, सब कुछ हड़प करने की कोशिश। ये बिल्डिंग सिर्फ कई 1000 अरब की है जी, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। यानी कितनी इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे, यानी मॉल रोड के बिल्कुल साथ PIA की बहुत बड़ी बिल्डिंग है और मल्टी स्टोरी टावर है, इसी तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर PIA की बिल्डिंग्स है, एसेट्स है, PIA का इतना कुछ पड़ा और ये जालिम लोग सिर्फ 10 अरब की बातें कर रहे हैं, फिर कहते हैं कोशिश करेंगे 27-28 अरब हो जाए जी, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि या तो ये फौजी फाउंडेशन को दे दें, वो उसको चला भी लेंगे, इसकी मुनासिब कीमत भी दे देंगे, हर अच्छा काम तो वही, ठीक है जनाब। अभी तक उन्हीं के प्रोजेक्ट हमें नजर आते हैं जिसमें उन्हें लॉस नहीं है और वो लोग प्रॉफिटेबिलिटी भी कर रहे हैं, जॉब्स भी दे रहे हैं, रेमुनरेशन अच्छी दे रहे हैं, प्रॉफिट में जा रहे हैं। एक अच्छा सजेशन है कि स्टील मिल्स और PIA दोनों उनके हैंडओवर कर दें, बिल्कुल उनके हैंडओवर कर दें। और फर्ज कीजिए उसके अलावा भी अगर आपको कोई बायर चाहिए तो 24 करोड़ अवाम को दे दें, ये चंदा करके 2400 अरब रुपए में PIA खरीद सकते हैं, हर आदमी
150,000 डालेगा और इसका शेयर होल्डर बन जाए तो ये कौम पीआईए खरीद के इसको ज्यादा मुनाफा में चला सकती है, इसमें इतनी कैपेबिलिटी मौजूद है। फैसल मलिक साहब, ऐसे सजेशन तो बहुत अच्छा दिया है नासिर साहब ने, क्या कहेंगे आप? जी ये सजेशन जो जो है ना बिलाल साहब बहुत अच्छा है, ये सजेशन जो इनसे है ना वो आप भी कर सकते हैं, वो नासिर साहब भी कर सकते हैं, हर कोई पाकिस्तानी कर सकता है। कोई भी पाकिस्तानी अगर उठे और ये कहे कि हम अपनी मुल्क की इज्जत और वकार की खातर अपनी पीआई को बचाना चाहते हैं तो हमें जो है ना चंदा चाहिए, तो मेरा ख्याल है 10 अरब क्या कई 10 अरब रुपया इकट्ठा हो जाएगा। सर बात सर 10 अरब की नहीं है, बात जो है ना लूट खसूट की है। ये जो हुक्मरान है सवाए लूट खसूट के इनको कोई काम नहीं आता, सिर्फ अपनी जेबें भरना आता है और कुछ नहीं आता। मैं पूछता हूं बिलाल साहब आपसे, कहां है वो आंखें जो ये कहती थी कि हम एक्सटर्नल सिक्योरिटी की भी जिम्मेदार हैं तो हम इंटरनल सिक्योरिटी की भी जिम्मेदार हैं। अगर इंटरनल सिक्योरिटी ये है कि आपके अवाम के पास पैसा ना हो, आपके असासे बिक जाए और आपके असासे खत्म हो जाए, तो फिर यहाँ पे कोई मशियत ना हो, तो फिर आपकी जेब में अगर पैसा ना हो तो जेब में अगर पैसा ना हो तो मरने के जो है ना मरने में आप नहीं लड़ सकते, तो आपने जो है ना आपने बॉर्डर क्या संभालने, मुझे बताएं वो आंखें कहाँ हैं, मुझे बताएं वो सिक्योरिटी वाले कहाँ हैं, वो इंटरनल सिक्योरिटी वाले बात करने वाले कहाँ हैं, वो यही देख रहे हैं पाकिस्तान लूट रहा है और वो तमाशा देख रहे हैं, ये अजीब बात। क्योंकि जो बार बार चीनी बाशिंदों पर अटैक हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और आज चीन की जानिब से बड़ा सख्त रिस्पांस आया है और चीनी बाशिंदों कंपनियों मंसूबों के हवाले से उन्होंने कहा है कि मुकम्मल एसओपीज पर पाकिस्तान जवाब दे रहा है कि मुकम्मल एसओपीज पर अमल दरामद हो रहा है, और चीन ने ये कहा है कि जो दो उनके लोग मरे हैं ये बर्दाश्त नहीं करें कि हम अफोर्ड नहीं करते हैं ये चीज़ें, और ये पाकिस्तान ने भी कहा है। और इसी पर आज बिलावल साहब भी ये फरमा रहे थे कि हमारे मुल्क में भी ऐसा ही है, हम तो मेहमानों की इज्जत करते हैं, उनका ख्याल करते हैं, और अगर ऐसे कोई मर्जत है, यानी एक इंसानियत का कत्ल जो है पूरी इंसानियत का कत्ल है, ये भी रेफरेंस उन्होंने दिया। बड़े सारे रेफरेंसेज हैं, सब कुछ है इस मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी के मसाले। नासिर शिराजी साहब क्या समझते हैं आप सर, जो कुछ हो रहा है सी पैक के अगेंस्ट है, चाइना के अगेंस्ट है, एक्चुअली ये सब कुछ पाकिस्तान के अगेंस्ट है, क्या कहेंगे आप? देखिए है तो ये पाकिस्तान के अगेंस्ट, और पाकिस्तान के अगेंस्ट जो ताकतें हैं वो अपना काम इंतहाई दिलजमी से कर रही हैं, और पाकिस्तान को इन खतरात से जिन्होंने बचाना है उनका 100% ध्यान इस तरफ नहीं है। देखिए हर एक बड़े हादसे के बाद, यानी विद रेफरेंस टू मैं समझता हूँ ये जो चाइनीज के ऊपर जो अटैक होता है मैं उससे बात कर रहा हूँ, कि हर एक वाक्य के बाद कहा जाता है कि जी अब हम फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। फुल प्रूफ क्या होती है? वो फुल बनाने के अलावा कुछ नहीं होता है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी ये होती है कि उनकी आमदो चाइनीज की जो आमदो रफ्त है उसको खुफिया रखा जाए, उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियां प्रोवाइड की जाएं, उनके आगे गाड़ी चल रही हो, दाएं बाएं गाड़ी चल रही हो, एक गाड़ी पीछे हो, और एक वो जो सर्कल होता है उसके अंदर जो शख्स एंटर होने की कोशिश करे शूट टू किल का ऑर्डर होना चाहिए जो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और इन सबसे बेहतर एक हाल ये होता है कि जिस साइट पे काम हो रहा है उसी साइट पे एक टेम्परेरली एक अकोमोडेशन जो है वो तामीर कर दी जाती है। जैसे आपको याद होगा कालाबाग डैम जब उसकी फिजिबिलिटी तैयार हो रही थी और गो अहेड मिल गया था, बड़ी पुरानी बात है, तो वहां पहले रिहायश के लिए जो घर हैं वो तामीर हुए थे, वो घर आज भी मौजूद हैं। हर प्रोजेक्ट पे पहले अकोमोडेशन तामीर होनी चाहिए ताकि ये लाने ले जाने वाले किस्से जो है ये खत्म हो जाए। लेकिन ये सिर्फ वो प्रोजेक्ट वाले चाइनीज नहीं है, यहाँ पे बहुत से कारोबारी लोग आते हैं। जिस तरह मेरे बिजनेस में आई हैव रिलेशन विद चाइनीज, वो लोग आते हैं बाहर से, चाइना से पाकिस्तान आते हैं जस्ट टू लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए या यहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी गेन करने के लिए। बहुत से लोग चाइना से रेंडमली भी पाकिस्तान आते हैं और फिर यहाँ पे आके वो स्टे करते हैं, देन दे हैव टू गेट द बुलेट प्रूफ कार्स, और निकलने के लिए घूमने के लिए उनको वो सब चीज़ें चाहिए होती हैं। बड़े मसाइल हैं उन उस कारोबारी लोगों के लिए। ये तो प्रोजेक्ट पे काम हो गया या सी पैक का काम हो गया, अपार्ट फ्रॉम दैट बिजनेस करने के लिए जो चाइनीज यहाँ पे आता है उसके लिए इतने सारे मसाइल, क्योंकि बिकॉज मेरा उनसे रिलेशन है, मेरी उनसे बातचीत रहती है, वो कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा तंग होते हैं, हमें बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, बड़ी मुश्किल, और बहुत से लोग बगैर कुछ किए यहाँ से फेल होकर वापस चले जाते हैं, दे डोंट इन्वेस्ट हियर इन दिस कंट्री। देखिए उसके लिए जरूरी है एक साइंटिफिक प्लानिंग की जाए। उसमें सबसे अहम बात यह है कि चाइनीज जिस शहर में भी आते हैं उनको आना चाहिए। हम चूंकि मिन्नतें कर रहे हैं ना तो गैर मुल्कियों की हुकूमतों के भी और इंडिविजुअल्स के भी, कि जी आए और यहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो हमें इन्वेस्टमेंट का एक माहौल पहले बनाना है, उसमें सबसे पहले सिक्योरिटी है। जब तक इन्वेस्टमेंट का माहौल नहीं होगा, मतलब यानी सिक्योरिटी में असर नहीं होगी, ना टूरिज्म डेवलप हो सकता है ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी। तो उसके लिए बुनियादी चीजें क्या है कि तमाम शहरों में
आप ऐसी कॉलोनीज बना दें, कुछ ऐसे इलाके मखसूस कर दें जो हर लिहाज से महफूज हों और गैर मुल्की वहाँ पे आके रह सकें, ठहर सकें, वो किराए का घर लेना चाहें तो भी वो भी मैसर हो, और अगर उनके लिए कोई और होटल या इस टाइप का अरेंजमेंट करना है तो वो जगह भी महफूज हों। उसके अलावा जब उन्होंने बाहर निकलना है तो वो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है। हमारे यहाँ हजारों नहीं, कोई लाख के करीब तो नफरी है पुलिस की जो सरकारी अफसरों के घरों पे काम कर रही है और उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, जिसकी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जरूरत नहीं है। तो जिन लोगों को सिक्योरिटी देना है ये सिक्योरिटी उनको दी जाए, क्योंकि इस पे कॉस्ट आ रही है, वो मेरे और आपके जेब से निकला हुआ वो पैसा है, वो हमारा टैक्स मनी है। वो अगर पाकिस्तान के बेनिफिट में इस्तेमाल नहीं होता, कहीं और हो रहा है, तो वो तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान है और वो उस रुझान को बढ़ाएगा जो लोग फिर टैक्स विजन की तरफ जाते हैं या सोचते हैं कि हमारा पैसा सही जगह पे तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, अल्लाह तल्लों में खर्च हो रहा है, जाया किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर टैक्स पेयर का पैसा टैक्स पेयर के ऊपर नहीं लगता। फैसल मलिक साहब क्या कहेंगे आप? सर ये नासिर साहब ने बात बिल्कुल सही की है। बात ये है कि जो वो ये पुलिस वाले और ये गाड़ियां के ऊपर गूंग गूंग करके जो है ना सियासतदानों के आगे पीछे जो है ना कभी उनके घर जा रहे हैं, कभी उनको जो है ना असेंबली हॉल लेके आ रहे हैं, कभी उनके साथ जो है ना उनकी जमीनों पे जा रहे हैं, कभी उनकी जमीनों पे कास्ट करवा रहे हैं। ये सियासतदानों की ड्यूटी अगर खत्म होगी तो पुलिस जो है ना कुछ जो है ना फ्री होगी और कहीं और ध्यान आएगा कि हमने जो है ना इस मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरत है अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है ना उनको हमने सिक्योरिटी भी तो देनी है। हमें नहीं पता क्या कि हमारे कौन कौन दुश्मन है और उन्होंने जो है ना कैसे हमने पे हमलावर होना है और हमारा एक्सटर्नल एग्रेशन उसका पैमाना हमने नाप के तो तभी उनको इन्वाइट करना है ना। और अगर उनको इन्वाइट हमने किया और उनको हमने सिक्योरिटी वो नहीं दे रहे तो इसका मतलब है कि ये पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी जो सी है ये कहीं और मसरूफ है। और वो मसरूफ कहाँ है? वो बिलावल साहब आप क्लियरली देख रहे हैं कि वो मसरूफ है एक सियासी जमात को कुचलने के लिए, वो मसरूफ है सियासतदानों की आगे पीछे ड्यूटी करने के लिए, आगे पीछे फिरने के लिए, और इसके अलावा उनको कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। नासिर शिराजी साहब एक बड़ा मसला जो सामने भी आ रहा है वो ये है कि बदतमीजियों का रुझान बढ़ता जा रहा है। काजी फाइजा साहब जब रिटायरमेंट के बाद लंदन गए तो फिर उन पर कुछ थोड़ा सा एक अटैक हुआ, सो कॉल्ड कहा गया, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए, मारने के लिए काम किया गया। फिर जब वहाँ से रिप्लाई आया और लंदन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने बताया कि कुछ ऐसा भी नहीं था, ये एक नॉर्मल एहतजाज था जो इनका राइट है, इन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा, कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, लिहाजा वट एवर दे हैव डन इज़ फाइन। अब आज काजी फैसल साहब का जो आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी है और साथ ये कहा है कि काजी साहब की जान छोड़ दें, ये अल्फाज तक कहना। और इसके साथ ख्वाजा आसिफ साहब के साथ जो मामला हुआ, चूंकि जनेवा जब ये गए हैं बाहर गए, जाहिर है लोग तकलीफ में मुब्तला हैं, लोग महसूस करते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ स्मॉग से मर रहे हैं, तो ये सब घूमने फिर रहे, स्विट्जरलैंड जाते हैं, वहाँ बैठे नाश्ते करते हैं, खाते पीते हैं टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर, तो फिर क्या तकलीफ का इजहार नहीं करेंगे? वहाँ कुछ लोगों ने अपनी जो भी उनके एहसास थे उसका इजहार किया, ख्वाजा आसिफ साहब को तकलीफ हुई उससे, और आज वजीर जो हमारा वजारत खारजा है वो इस बात की सरजनिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी जो ख्वाजा आसिफ साहब के साथ हुआ वो गलत हुआ। यही सब कुछ मरियम के साथ भी हुआ है, नवाज शरीफ के साथ भी हुआ है, काजी फैसल साहब के साथ भी हुआ है, और जो जो बंदा यहाँ पे अवाम को छोड़ के बाहर जाएगा टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर उसको ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी बाशऊर लोगों के सामने। क्या समझते हैं नासिर शिराजी साहब? बिलाल साहब मैं समझता हूँ कि एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से हमारी जो तालीम और तरबियत है उसका तकाजा ये है जी कि हम शाइस्तगी को फरोग दें, लेकिन ट्रेंड ऊपर से आता है, देखना यह कि सियासतदान खुद क्या कर रहे हैं ठीक, और जब इख्तदार उनके हाथ में होता है तो वो खुद क्या करते हैं और हमसे क्या तवक्को करते हैं। मैं फिर कहूंगा कि शाइस्तगी को फरोग देना चाहिए, बदतमीजी के कल्चर को खत्म होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि काजी फायज ईसा साहब जब खुद मनसब के ऊपर फायज थे तो खुद क्या करते रहे हैं? बदतमीजी के मुख्तलिफ स्टाइल है ना, एक आदमी जो ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं है जब वो अपने मुताबिक अपने एक्सपोजर वो अपने हिसाब से बदतमीजी करेगा, एक आदमी जो बहुत पढ़ा लिखा है मनसब पे फायज है, लोगों के हक जो है वो जब्त कर रहा है और हक खा रहा है और इंसाफ मुहैया नहीं कर रहा, तो वो अपने तौर पे एक बदतमीजी वो कर रहा है। तो सवाल ये कि सब लोग जो इख्तदार में होते हैं, मनसब होता है, इंसाफ की कुर्सियों पे होते हैं, जो बदतमीजियां ये करते हैं उसके बाद जब ये मनसब से फारिग होते हैं और आम जिंदगी में एक आम आदमी की हैसियत से आते हैं तो फिर ये दूसरों से तमीज दाराना रवैये की तवक्को करते हैं, ये बड़ी अजीब सी बात है। देखिए हम
इस दुनिया में जो बोएंगे हमने वही काटना है, यह हो नहीं सकता कि हम लोगों की हक तलफी करते रहें और फिर जब हमारी अपनी बारी आए तो हम उनसे ये तवक्को करें कि अब वो हमें आंखों पे बिठाएं और सर पे बिठाएं और हमारे लिए वो तारीफ और तौसीफ के जुमले जो हैं वो कहें। ख्वाजा आसिफ साहब का मैं जिक्र करना खास तौर पे चाहूंगा, ख्वाजा आसिफ साहब ऑन रिकॉर्ड है, हमेशा मिलती है। देखिए ख्वाजा आसिफ साहब बड़े पुराने सियासतदान हैं, मंजे हुए सियासतदान हैं, पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड हैं। उन्होंने एक एक घंटे के 3 इंटरव्यू दिए जिसमें उन्होंने खुद ये तस्लीम किया कि अगर आज इलेक्शन खुल जाए तो हम सब लोग घर चले जाएंगे। यानी वो 47 वाली बात जीरो मॉरलिटी के साथ ही हुकूमत है इस टाइम पे मुल्क। अब वो एक जिम्मेदार शख्सियत हैं तो मैं उनकी बात पर इतबार करता हूँ। यही ख्वाजा साहब हैं जिन्होंने इलेक्शन के फौरन बाद एक दफा कहा, बल्कि वो बात बार बार दोहराते हैं, उनका वो इंटरव्यू आज भी मौजूद है। वो कहते हैं कि मैं इलेक्शन हार रहा था, मैंने जनरल बाजवा को फोन किया और कहा शाम तक तेरा भतीजा हार रहा है, तो उन्होंने कहा अच्छा मैं देखता हूँ, और शाम तक फिर नतीजा जो है उनके हक में आ गया। तो वो खुद एडमिट कर चुके हैं, कन्फेशनल स्टेटमेंट दे चुके हैं कि वो इलेक्शन हार चुके थे, उन्हें किसने और कैसे जितवाया। फिर वो वजीर भी बने, वो असेंबली में भी आते हैं, मराहत भी लेते हैं, और फिर अगर वो तवक्को करें कि उनके साथ उनका वोटर सपोर्टर, उनके मुल्क में बसने वाले और गैर मुल्कों में बसने वाले पाकिस्तानी शाइस्तगी का रवैया इख्तियार करें, तो मेरा ख्याल है ये जरा मुश्किल काम है, उनको सोचना भी होगा। उनके लिए बहुत बेहतर होता, यानी उनकी इज्जत अफजाई होती कि वो ये जो कन्फेशनल स्टेटमेंट दे चुके थे उसके बाद वो रिजाइन देते और कहते कि मैं ये जो धांधली के इलेक्शन के नतीजे में मैं आया हूँ, मैं इससे मुस्ताफी हो रहा हूँ और मैं इस सीट का हकदार नहीं हूँ। अगर वो ऐसा करें तो मैं समझता हूँ कि आज अपोजिशन उनके लिए नरम रवैया रखेगी और ऐन मुमकिन ना आइंदा इंतखाबात में कोई भी पार्टी ये महसूस करे कि यार ये तो बहुत सच्चा खरा पार्लियामेंटेरियन है, इसके सामने तो हमें उम्मीदवारी खड़ा नहीं करना चाहिए, ये तो बड़े क्रेडिबल शख्सियत हैं, तो हमारे रवैये हमारे कॉल ऑफ फेल में जो तजाद है ना जी, उसको पहले ख़त्म करना है। पहले हम खुद अपनी तमीज और तहजीब का मुजाहरा करें, हम जिस भी कैपेसिटी में हैं जहां भी बैठे हैं, फिर हम दूसरों से वो तवक्को करते अच्छे लगते हैं। फैसल साहब क्या कहेंगे आप? सर बात शाइस्तगी की कर रहे हैं ये लोग, इनको जो है ना वो ये पता नहीं है कि एक तरफ शाइस्तगी है और दूसरा तरफ वो जुल्म है जो उस बंदे ने किया है, वो जुल्म उठाया जिससे इस मुल्क की बुनियादें तक हिल गई। इसने एक मकबूल पार्टी का जो है ना निशान छीन लिया, इसने जो उनसे है ना, ये इस बंदे ने क्या किया कि हाई कोर्ट का फैसला रिवर्स कर दिया, इसने बेंचेस को काम नहीं करने दिया, इस वजह से जो उनसे ना फॉर्म 47 की हुकूमत जो को दबाव इसने बख्शा और इसने जो उनसे ना हर मुमकिन कोशिश की कि फॉर्म 47 को जो उसने दबाव बख्शे, इसने PDM-1 को दबाव बख्शा, PDM-2 को दबाव बख्शा, उसके बाद फॉर्म 47 को दबाव बख्शा। बात सर इंसाफ की है, बात यह है कि आपने जो है ना हक और बातिल की लड़ाई में हक का साथ देना है, आपने हक के लिए निकलना है। सर आप जो है ना इस्लाम का जो इतना बड़ा वाक्या जिसमें जो है ना हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे उन्होंने अपनी जाने तक कुर्बान कर दी, उसमें क्या हमें दर्स मिलता है कि अब इस्लाम कंप्लीट हो गया, कुरान पाक आ गया, मुकम्मल हो गया इस्लाम, दर्स आ गया आपको, आपको तलीम आ गई। क्या तलीम है कि आपने हक को बातिल की लड़ाई में हक के लिए निकलना है। अगर अवाम नहीं निकलती तो अल्लाह ने कहा कोई टेंशन नहीं, तुमने मारना है मार दो, मैं शहादत का रुतबा दे के इमाम हसन और इमाम हसन को अपने पास बुला लेता हूँ, मेरे पास बहुत खजाने हैं, तुम अवाम जो सी है ना इस दलदल में खुद ही मरोगे, खुद ही जो है ना पीटोगे अपने आप को। ये था पैगाम कि अगर अवाम नहीं निकलती, अगर आप लोग हक को सच का साथ नहीं देंगे तो फिर आप जलीलो रुस्वा होंगे, ये सबसे बड़ा पैगाम था सर। तो ये बात करते हैं शाइस्तगी की, ये बात ये क्यों नहीं करते कि उसने जो जितने भी फैसले किए वो सारे के सारे एक पार्टी को दबाव बख्शने के लिए किए, एक पार्टी की पुश्त बनाई की। क्योंकि काजी फाजी साहब ने जो कुछ किया, आज उनका रिटायर होना और रिटायर होने के बाद आईनी बेंच, एक स्पेशल सर्कमस्टांसिस के अंदर ये आईनी बेंच तश्कील दिए गए, अपने लोग जो है वो मर्जी के लगाए गए, उस आईनी बेंच ने इनके खिलाफ जो दरख्वास्त थी उसको खारिज कर दिया है, इट सीम्स लाइक अ रिवॉर्ड। सर ये तो बहुत ही जो है ना अजीब सी बात उन्होंने कही कि अब तो काजी फैजी साहब की जान छोड़ दे, क्या उन्होंने जो है ना जान छोड़ी पाकिस्तानी अवाम की? मैं सर बिलाल साहब ड्यू अपोलॉजी, मैं जो है ना आप टैक्स पेयर की बात करते हैं, मुझे बताएं यहाँ पे कौन सा बंदा जो टैक्स नहीं देता,
पेट्रोल के ऊपर टैक्स, दवाइयों के ऊपर टैक्स, खाने के ऊपर टैक्स, सब्जी के ऊपर टैक्स, हर चीज के ऊपर टैक्स है। पाकिस्तान का हर बंदा टैक्स देता है सर, और यहाँ पे कोई टैक्स पेयर नहीं है, और यहाँ पे सारे टैक्स पेयर है सर। इस आवाम को पैसों के ऊपर जो है ना, ये अय्याशी करने वाले ये जजेस हजरात और ये सियासतदान जो उनसे है ना, इस तरह मुल्क को लूटेंगे और इस तरह मुल्क में अपनी बादशाही कायम करेंगे। वो आपके सामने है कि आप असासे भी खरीद रहे हैं, औने पौने दो। देखिए जो लोग बात कर रहे हैं ना जी, ख्वाजा आसिफ साहब के साथ बदतमीजी हुई है, दफ्तर खारिजा मुजम्मत जी। देखिए ख्वाजा आसिफ साहब ने असेंबली में खड़े होकर ट्रैक्टर ट्राली किसको कहा था? एक खातून को कहा, उसको वो तज़ीर नहीं बोल रहे थे ये, तमीज और तज़ीर बदतमीजी की है कि जो कहना मुनासिब नहीं लगता सर। जी जी, तो आगाज माफ करें, वो पीली टैक्सी वगैरह नासिर साहब जी, हाँ ये देखिए ना, पार्लियामेंटेरियन जिनसे हम शायस्तगी की तवक्को करते हैं, उन्होंने अपने जमाने में क्या कुछ नहीं कहा और किसको नहीं कहा। आज कुछ लोग शीरो शकर हैं और इस हुकूमत में शामिल हैं, लेकिन ये एक दूसरे के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहते रहे और क्या क्या इल्जाम सर। लेकिन वो जो आज उनकी मोहब्बतें कम होती नजर आ रही है बिलावल साहब की स्टेटमेंट्स के बाद। जी ऐसा ही है, ऐसा लग रहा है कि दोबारा पीपल्स पार्टी और नून लीग वापस उस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। लेट्स सी वेयर द फ्यूचर गोज। बहुत शुक्रिया नासिर शिराजी साहब, फैसल मलिक साहब, आपका नाजरीन, आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया। स्मॉग बहुत ज्यादा है, अपना और अपने इर्द गिर्द लोग याद रखें, मास्क पहने, आप जो भी प्रिकॉशंस ली जा सकती हैं ले लें, क्योंकि ये हुकूमत आपके लिए कुछ नहीं करेगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।